शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमारे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। आज हमारा सिर्फ जन्मदिन नहीं, हमारे पापा की बरसी है। आज के दिन उनकी हत्या हुई थी। आज तक उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाए हम। जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा, हमारे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कौन है वो लोग शिवांश? पीठ तो बस एक मुखौटा था जिसे लगाकर हम यहाँ पर आए थे। हमारा असली मकसद आज के पूरे परिवार को बर्बाद करना था। आप जानती हैं, हमारे पापा के मरने के बाद हमारी माँ कई हफ्तों तक सो नहीं पाई। ऐसे ऐसे लेके बैठते थे अपनी माँ को अपनी गोद में, कोशिश करते थे कि वो सो जाए, उन्हें खिलाने की कोशिश करते थे। और हमारी अम्मा, उनको तो होश ही नहीं था। और छुटकी ऐसे माँ चौखट पे बैठती थी वो, और ताकती रहती थी कि पापा आएंगे। हमने अपनी जिंदगी के 12 साल इसी शोक के साथ काटे, जो ना 13वीं से कम हुए और ना 8वीं से। शिवांश, हम समझ सकते हैं एक पिता को खोने का दर्द क्या होता है। हमने भी खोया है। हमारे पापा को अपनी आंखों के सामने गोली लगते हुए देखा है, पर ये झूठ है। जिसने भी तुम्हें ये बताया है ना, ये झूठ है। हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें ना जरूर जरूर ताई जी ने बोला होगा, है ना शिवांश? ताई जी किसी की सगी नहीं है। वो ना तुम्हारे गुस्से का फायदा उठा रही है, तुम्हारे दर्द का फायदा उठा रही है वो। हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। जब अपने बाप के पापों के हिसाब की बारी आई तो आप हमको सफाई दे रही हैं। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, बदला तो हम लेकर रहेंगे। शर्मी ठाकुर, आपके बाबा ने हमारे पापा को मारा, इस थमेली को शमशान बना देंगे हम। चिताएं चलेंगी यहां पे, चिताएं, और तब करेंगे हम अपने पापा की अस्थियों को विसर्जित। तब पूरा होगा हमारा शोक। तू चंद्रा के रास्ते में आता है ना, चंद्रा उसके रास्ते में रोड़े ही रोड़े बिछा देती है। समझती क्या हो अपने आपको? अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करें, भानु जानू से पूछ लो। इस तरह से पति और पत्नी के बीच में घुसना अच्छी बात नहीं है। ना ना
ना ना ना ना ना, पति पत्नी के बीच में नहीं, हमारी नजरें तो सिर्फ एक पर हैं, और ये पकड़ो और खुद पर गिराओ। आखिर ये चाहती क्या है और इस हवेली में क्या करने आई है? सबसे पहले तो ये पता करना होगा, नहीं तो ये एक एक करके सारा खेल चौपट कर देगी। और मनाओ जन्मदिन, दुखा दिया ना बच्चे का मन, पूरे दिया पुराने जख्म। कैसे जख्म? हम पूछ रहे हैं कुछ आपसे। बड़के ठाकुर, ये आंख आप किसी और को दिखाना, हमारी तुमसे कोई जवाबदेही नहीं है। देखिए, आप हमसे उम्र में है बहुत बड़ी, इसलिए हम आपके मुंह नहीं लगते। एक तो आप बिन बुलाए यहाँ पे आ गई मेहमान बनके, उसके बाद आप कह रही कि जवाबदेही नहीं है आपकी। सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, ये फसाद भी तुम लोगों की वजह से हुआ है। एक मौका नहीं छोड़ते हो हमारे परिवार को नीचा दिखाने का। शिबू, शिबू तू कहाँ चला जाता? बस वहीं रुक जाओ सब। आप सबको हमारे सर की कसम, हमें आज अकेला छोड़ दो। भैया, अम्मा, 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 अम्मा। तुम्हारा अंदाजा सही था। ये पता करूं कि माजरा कहाँ है, इसका पिता कौन था। कोई ना कोई ऐसी कील है जो अटकी हुई और मैं दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, अंदर कैसे आया? बेटा, यहां पे वही आता है या तो जिसे मारना होता है या मरना होता है, तेरी चॉइस क्या है? मारो हमें, इतना मारना हमें कि शरीर के साथ साथ दिमाग भी सुन हो जाए। शरीर पे इतने घाव देना कि सारे जख्म सुन्न हो जाए। पागल हो गया क्या तू? ये पैसे उठा और चल निकल यहां से। निकल, निकल बोला ना। चल निकल इधर से। अगर हमने मारना शुरू किया ना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। जानते बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा।
ठीक है ना श्रवणी बेटा? हमारे बाबा को हत्यारा बना दिया, क्यों बोला शिवांश को इतना बड़ा झूठ? बोलिए, ऐसी गलत फहमी तो हमारे दुश्मनों को भी ना। ये जुल्मा हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार तुम्हें सच्ची में गलत फहमी हुई है श्रवणी। शिवांश के पिताजी का हत्यारा केशवी है, तुम्हारा बाप हत्यारा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जानते अपने बाबा को, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। और हम ये भी जानते हैं कि आप ना सर से पांव तक झूठी हैं। अफसोस, शिवांश ऐसा नहीं समझता। एक बेटे के दर्द को अपना हथियार बना रही हैं आप, और हम सोचते थे कि शिवान सबसे बुरा है, लेकिन नहीं, आपके गुनाहों की गिनती तो उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन इस बार आप कामयाब नहीं होगी। तुम हमको कमजोर समझ रही हो या शिवांश को? हमें तबाह करने के चक्कर में एक चीज भूल गई है आप, कि इस परिवार के बाकी लोग कितने परेशान हो रहे हैं। हमारा परिवार, ठीक है आपका परिवार ना, लेकिन आप इस परिवार को आग में क्यों डाल रही हैं? तुम काहे चिंता कर रही हो उनकी? हम हैं ना यहाँ पर बैठे हुए। तुम अपनी चिंता करो। कैसे ना करें, शिवांश ने कहा है कि सबको बर्बाद कर देगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा वो। फिर से गलत फहमी। शिवांश ने कहा है कि वो केशव के परिवार को बर्बाद करेगा, मतलब तुम्हें और तुम्हारी माँ को। हमारे परिवार को कुछ नहीं होगा, जुबान दी है उसने। तो ये बात है तब ठीक है, तब आसान है हमारे लिए। हमें न केवल अपने ताऊ जी की चिंता थी, पर अब आप ही ने बता दिया, कम से कम ताऊ जी शिवांश से तो सुरक्षित है। केवल आपसे ही परेशान है वो, और अब हमें केवल आपके बारे में सोचना है। हमारे सारे घाव तब तक वो नहीं भरेंगे जब तक एक एक जख्म का वो लोग हिसाब नहीं देंगे। आज पापा होते हैं ना भैया, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देते। आपके बाबा ने हमारे पापा को मारा था। Mother!
आखिर ये लोग छुपा क्या रहे हैं? तुम्हें पता करना होगा, समय नहीं हमारे पास, वो भी जल्दी। नजर तो वैसे हमारी भी है उन पर, लेकिन तुम भी जरा संभल कर रहो, हो सकता है कोई हम पर भी नजर रख रहा हो। इन दोनों में क्या खुसर खुसर चलती रहती है? ये आई ही क्यों है यहाँ पर? सिर्फ भानु जी से लिब्राने तो नहीं आई है। पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? पता नहीं। आज के दिन शिबू अपनी सुध-बुध खो देता है। अपने पापा को खोने के गम में वो जी नहीं पा रहा है। आज के दिन उसके सारे घाव आ रहे हो जाते हैं। हमें हमें डर लग रहा है कि शिबू शिबू कुछ में कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। आप परेशान मत होइए। इधर चल, बैठिए। नहीं कहा क्या होगा। पानी पी। आप धीरज रखें, कुछ भी नहीं होगा। हम पता करते कहाँ पे हैं। मारो। और मारो। ये लड़का पागल है क्या? अब पैसे दिए इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे जान से मार दे। इसके पहले पुलिस के फचड़े में पड़े हम। यहां से निकलो। ए निकलो सब, चलो मेरे पकड़। लग रहा है इसका। हम क्या करें? लोकेशन ट्रैक करते हैं इसकी।
लोकेशन मिल गई है, हम बस अभी आते हैं। इसका पीछा तो हमें करना होगा। रास्ता तो सीधा दिखा रहा है। हर बार किसी ना किसी तरह बच जाती हो श्रवणी, पर इस बार नहीं। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।